आज बनाएंगे कोकणी स्टाइल में बाम मछली का सालन। बाम मछली का सालन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैंने 250 ग्राम बाम मछली ली है, इसे ईल भी बोलते हैं, और मछली को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये मैंने 8 से 10 ड्राई कोकम लिए हैं। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसे 15-20 मिनट भीगने के लिए रख देंगे। मिक्सर जार में एक मीडियम साइज की प्याज बड़े टुकड़ों में कट करके डालेंगे। 12 से 15 कलियां लहसुन की, आधा कप फ्रेश नारियल ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इसे पहले बिना पानी डाले पीसेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। कोंकणी फिश करी में कोकम और नारियल जरूर डाला जाता है और इसी से ही फिश करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। एक छोटी प्याज को बारीक कट करके डालेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ड्राई मसाले में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इसे मैंने रंग के लिए डाला है, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। मसालों को तेल में हल्का सा फ्राई करेंगे, ध्यान रहे जले नहीं। और मिर्च को तेल में पहले फ्राई करने से सब्जी का रंग बहुत ही अच्छा आता है। अब ये पिसा हुआ नारियल वाला मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर लगा हुआ मसाला भी पूरा ले लेंगे। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे तेल अलग होने तक, और इसे कवर करते हुए भूनेंगे क्योंकि इसमें नारियल है तो छींटे बाहर आएंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और तेल अलग हो गया है, और बीच में मैंने 2-3 बार इसे चलाया था। अगर नहीं चलाएंगे तो नारियल होने की वजह से मसाला नीचे से जल सकता है। अब इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई कच्ची केरियां डालेंगे। केरियों का टेस्ट कोकणी फिश करी में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। अगर आपके पास केरी नहीं है तो आप थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं, और अगर इमली भी ना डालना चाहे तो कोकम का ही टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और बहुत ही अच्छा आता है। तो कोकम के साथ थोड़ी सी केरी डाल दे या फिर इमली डाल दे तो टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें भीगे हुए कोकम डाल देंगे इसी के पानी के ही साथ। अब इस मसाले के ऊपर फिश के पीसेस रख देंगे, और हमने इसमें कोकम का पानी डाल दिया है तो मसाला नीचे से जलेगा नहीं। फिश के पीसेस रखने के बाद इसे कवर करके 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट बाद फिश के पीसेस को फिर से पलट देंगे और ढक कर धीमी आंच पर 2 मिनट और पकाएंगे। फिश बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसलिए हमें दोनों साइड से 2-2 मिनट ही इसे पकाना है। तो दोनों साइड से फिश को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं, और इसमें हमने कोकम का पानी डाला था इसलिए मसाला नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है, और कोकम के टुकड़े भी इसमें बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब ग्रेवी को आप जितना पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड करें और हल्के हाथ से मिक्स करें। तो ग्रेवी को मैंने इतना पतला रखा है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 मिनट इसे उबलने देंगे। तो ग्रेवी को उबलते हुए 2 मिनट हो गया है और तरी बहुत ही अच्छे से ऊपर आ गई है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। तो ये गर्मा गर्म कोकणी स्टाइल में बाम फिश करी बनकर तैयार है। नारियल का, कोकम का और केरी का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से आप बाम फिश करी बनाकर ज़रूर देखें, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।